अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एलयूटी बोंड सबमिट करना चाहिए। तो जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए, सर्विसेज पे आप जाएंगे एंड यूज़र सर्विसेज पे, उसके बाद फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी, इस पर आपको क्लिक करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे एलयूटी बोंड से रिलेटेड। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि किसके लिए मैंडेटरी है फाइल करना जीएसटी एलयूटी। सो इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी टू एक्सपोर्ट द गुड्स सर्विसेज और बोथ विदाउट पेइंग द जीएसटी। तो जिसको विदाउट पेइंग जीएसटी एक्सपोर्ट करना है गुड्स और सर्विसेज, तो उनके लिए यहाँ पे एलयूटी बोंड को सबमिट करना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट को आप बताते हैं कि हम एलयूटी बोंड सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पे जो टैक्स है वो उनसे नहीं लिया जाएगा, तो उसके लिए अंडरटेकिंग उनको देना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एलयूटी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एलयूटी अंडरटेकिंग लेटर है तो उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैसे सबमिट करना है, पीडीएफ में, जेपीजी में, और आपका जो फाइल का साइज है वो 2 MB होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको जो नीचे ऑप्शन है इस पर टिक करना है 3 ऑप्शन पे, और उसके बाद देखिए नेम ऑफ विटनेस आपको करना है, ऑक्यूपेशन करना है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एलयूटी बोंड जो है वो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। एफसीएम या फिर आरसीएम को ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर तो ये सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए, सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, देन जीटीए पे आपको क्लिक करना है। सबसे एंड में ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ से अगर आपको एफसीएम लेना है तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अनेक्सर वी आपको फिल करना होता है। अगर आपको आरसीएम ऑप्ट करना है तो यहाँ पे आपको अनेक्सर 6 फिल करना होता है। अगर आपने मैनुअली अप्लाई किया है तो यहाँ पे मैनुअली भी आप अपलोड कर सकते हैं अनेक्सर वी। तो इस तरीके से अगर आप जीटीए हैं और आप अपने अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए आरसीएम सर्विस ऑप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सपोर्टर हैं तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एलयूटी बोंड सबमिट करना चाहिए। तो जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए, सर्विसेज पे आप जाएंगे एंड यूज़र सर्विसेज पे, उसके बाद फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी, इस पर आपको क्लिक करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे एलयूटी बोंड से रिलेटेड। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि किसके लिए मैंडेटरी है फाइल करना जीएसटी एलयूटी। सो इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी टू एक्सपोर्ट द गुड सर्विसेज और बोथ विदाउट पेइंग द जीएसटी। तो जिसको विदाउट पेइंग जीएसटी एक्सपोर्ट करना है गुड्स और सर्विसेज, तो उनके लिए यहाँ पे एलयूटी बोंड को सबमिट करना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट को आप बताते हैं कि हम एलयूटी बोंड सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पे जो टैक्स है वो उनसे नहीं लिया जाएगा, तो उसके लिए अंडरटेकिंग उनको देना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एलयूटी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एलयूटी अंडरटेकिंग लेटर है तो उसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैसे सबमिट करना है, पीडीएफ में, जेपीजी में, और आपका जो फाइल का साइज है वो 2 MB होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको जो नीचे ऑप्शन है इस पर टिक करना है 3 ऑप्शन पे, और उसके बाद देखिए नेम ऑफ विटनेस आपको करना है, ऑक्यूपेशन करना है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एलयूटी बोंड जो है वो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अपनी जीएसटी पेमेंट यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। जीएसटी पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है, सर्विसेज पे क्लिक करना है, क्रिएट चालान पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं रीज़न फॉर चालान। तो यहाँ से आपको दोनों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में आप वर्क करते हैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपने जो टैक्स अमाउंट है वो फिल कर लेनी है। और पहले यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड में ई पेमेंट, डीडी ओवर द कॉर्नर एंड NEFT, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल थे। तो यहाँ पर मेक चालान, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट चालान पे और चालान को जनरेट करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे कि आप UPI के थ्रू अगर करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं अगर आप UPI एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू अगर अपने टैक्स की पेमेंट की
अगर आप GTA हैं, FCM या फिर RCM को ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ये सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। GST पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए, सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, देन GTA पे आपको क्लिक करना है। सबसे एंड में ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ से अगर आपको FCM लेना है तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अनेक्सर वी आपको फिल करना होता है। अगर आपको RCM ऑप्ट करना है तो यहाँ पे आपको अनेक्सर 6 फिल करना होता है। अगर आपने मैनुअली अप्लाई किया है तो यहाँ पे मैनुअली भी आप अपलोड कर सकते हैं अनेक्सर वी। तो इस तरीके से अगर आप GTA हैं और आप अपने अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए RCM सर्विस ऑप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, FCM सर्विस ऑप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। अब आप अपने GST पेमेंट UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। GST पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है, सर्विसेज पे क्लिक करना है, क्रिएट चालान पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, रीज़न फॉर चालान। तो यहाँ से आपको दोनों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में आप वर्क करते हैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपने जो टैक्स अमाउंट है वो फिल कर लेनी है। और पहले यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड में ई पेमेंट, DD ओवर द कॉर्नर एंड NEFT, ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो यहाँ पे मेक चालान, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट चालान पे और चालान को जनरेट करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे कि आप UPI के थ्रू अगर करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं अगर आप UPI एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू अगर अपने टैक्स की पेमेंट की करते हैं। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप भी अपने टैक्स को UPI के थ्रू पे कर सकते हैं।